यहाँ से देखिए तकरीबन गांव नज़र आ रहे हैं। देखिए मट्टी के घर, फुल सुकून वाली और छिल वाली जिंदगी। ये ईंटें भी फ्रेश तैयार हुई है, चेक करें। इनका कलर थोड़ा सा चेंज है और इनका कलर चेंज है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज आया हूँ मैं अपने एक दोस्त की तरफ। इनका गांव बहुत ज़्यादा प्यारा है, तो आइए इनका गांव विज़िट करते हैं। मैं भी देखता हूँ और आप लोगों को भी दिखाता हूँ। देखिए वो दोस्त आगे जा रहे हैं, मैं इनके पीछे पीछे जा रहा हूँ। तेज तेज चलता हूँ ताकि साथ में चले सारे। प्योर गाँव वाली फील आ रही है, प्योर। ये ईंटें भी फ्रेश तैयार हुई है, चेक करें। इनका कलर थोड़ा सा चेंज है और इनका कलर चेंज है। ये वाली थोड़ी महंगी होगी ना इससे। ये देखिए वहाँ से चीने का पानी निकल रहा है, प्योर पानी। इस पानी के अंदर सारा जमा हो रहा है, फिर ये पानी ऐसे जा रहा है आगे। देखिए उधर से निकल रहा है। मौसम भी बहुत ज़्यादा प्यारा हो चुका है, चेक करें। फुल बादल बन गए हैं और ये व्यू है, देखिए। वो बच्चे उधर नहा रहे, मैंने कहा डुबकी लगा दे आपकी वीडियो बनाते हुए, कहते फिर अब्बू मारेंगे। मैंने कहा चलो सही है। गंदम की फसल भी बस तकरीबन तैयार है। पंजाब में तो लोगों ने कट भी कर दी होगी, लेकिन यहाँ पे बस अभी तैयार हो गई है। देखिए देखिए कुदरत का एक तोहफा इन लोगों को मिला हुआ है और लोग इसमें लगे हुए हैं, बस अपनी चीज़ें वगैरह धो रहे हैं। ये आई थिंक प्याज है जो कि लोग धोने के लिए यहाँ पे ले आए हैं, चेक करें। कुछ कुछ जगहों में गंदम की फसल की कटाई हुई है, देखिए। वहां पे देखिए बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। ये देखिए कितना खूबसूरत इलाका है, यहाँ पे ईंटें तैयार होती है ज़्यादातर, चेक करें। अभी ऐसे आगे जाएंगे, यहाँ पे हमने स्टे किया था। देखिए ये इस तरीके से बनाया गया है ना, ये पौधे वगैरह चेक करें। अगर बाहर बहुत ज़्यादा धूप भी होगी ना, तो इसके अंदर ठंड लगेगी आपको, और ऐसे ही है। इस रूम में इतनी ठंड है ना कि यहाँ पे पंखे की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी हल्का हल्का फैन चल रहा है और ऐसे मज़े की नींद आती है ना कि क्या बताऊँ। A few moments later घर वापस आ गया हूँ
और जैसे मौसम वहाँ पे था ना, वैसे मौसम यहाँ भी बन गया है। लाइट चली गई है और बाहर का अगर सीन दिखाऊँ ना तो हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है। देखिए ऐसे लग रहा है कि तूफान आने वाली है। और ये गांव कौन सा था इसके बारे में डिटेल से एक व्लॉग बनाऊंगा, उसमें सारा सब कुछ शेयर करूंगा, गेन विजिट करूंगा ए टू जेड। अभी चूँकि टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा शॉर्ट था और कम चीज़ें मैंने एक्सप्लोर की। बहुत ही खूबसूरत गांव है, बहुत लफ्ज़ों में मैं बयान नहीं कर सकता। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।